पर में क्वेश्चन था वो सिलिकॉन वाला हां सर पर उसमें तो सारे ऑप्शंस गलत थे ना सर क्योंकि सिलिकॉन तो शायद मेटलॉइड होता है नहीं क्वेश्चन क्या था बोलो अच्छा गूगल फॉर्म में क्वेश्चन था क्या यस yes, सर वो नॉन मेटल वाला तो वो तो आपको मैडम का क्वेश्चन वो गूगल फॉर्म में आपके पास दूसरा क्वेश्चन रहा होगा क्वेश्चन क्या था फिर से रीड आउट करो एक बार बोलो मुझे सर उसमें विच ऑफ द नॉन मेटल्स शायद इलेक्ट्रल uh, था जो इलेक्ट्रली जो इंसुलेटर होता है बेसिकली कौन सा नॉन मेटल इंसुलेटर होता है सर पर उसमें तो कोई नॉन मेटल था ही नहीं तीन मेटल से और एक मेटालॉइड था सिलिकॉन इज मेटालॉइड एज वेल एज इट इज कंसीडर्ड इन नॉन मेटल्स आल्सो यस सर क्योंकि बाकी मेटल रहे होंगे ना सब उसमें ऑप्शंस में हाँ इसीलिए जब वो सब मेटल है तो उसके रेस्पेक्ट में वो नॉन मेटल में आएगा कैन यू सी द स्क्रीन चिल्ड्रन यस सर सर यस ऑल राइट सो आई थिंक वी हैड स्टडीड दिस डेंडल इफेक्ट देन मेथड्स ऑफ ए मिक्सचर वी कम्पलीटेडरेशन ये वाला हो गया था

centrifugation means to rotate a solution okay? to circulate uh, to rotate a solution clockwise or anti-clockwise this is called centrifugation so when a mixture is rotated at high speed the lighter particles stay on the surface of the liquid while the heavier particles are forced to settle down at the bottom of the container this process is called centrifugation for example centrifugation of milk we carry out for separating butter from the milk or from sour milk similarly we centrifuge the milk to separate out cream from the milk the process is called churning of milk maiya ya soda wala dekha hai na wo picture ek lakdi ka एक मट, मटका रहता है उसमें एक लकड़ी का डंडा रहता है उसको वो रस्सी से ऐसे ऐसे घुमाती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिससे क्या होता है बटर सेपरेट हो जाता है और सॉर मिल्क अलग रह जाता है दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड एज चर्निंग ऑफ मिल्क बट इफ मशीन इज यूज फॉर सेंटिफिगेशन फॉर रोटेटिंग द मिल्क देन द प्रोसेस इज कॉल्ड सेंटिफिगेशन ठीक है यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कैसे आएगा हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क सो यू हैव टू राइट इन द एक्टिविटी फॉर्म हाउ टेक सम फुल क्रीम मिल्क सेंट्रीफ्यूज इट

कुछ याद है आपको कहाँ पेटिफिकेशन यूज होता है ब्लड इन पैथोलॉजी उसमें क्या करते हैं एक टेस्ट ट्यूब होती है टेस्ट ट्यूब में पतली सी ट्यूब होती है उसमें ब्लड सैंपल डाल देते हैं और ब्लड उस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद जो सेंटिफिकेशन मशीन होती है उसमें हम उस टेस्ट ट्यूब को डालते हैं और उसको खूब जोर से रोटेट किया जाता है जब रोटेट करते हैं तो जो हैवियर पार्टिकल्स हैं फॉरेन मटेरियल्स हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं बैक्टीरियाज हैं पैथोजेंस हैं वो सब क्या हो जाते हैं बेटा कोगुलेट हो जाते हैं वो सेंटर में इकट्ठा हो जाते हैं बॉटम में चले जाते हैं और जो ब्लड प्लाज्मा है और अदर उसमें जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं दे रिमेन इन द सॉल्यूशन इन दिस वे वी कम टू नो दैट व्हाट फॉरेन मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड By using centrifugation in pathologies. Similarly, in pathology, urine test is conducted. Urine में कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं यूरिया ज़्यादा तो नहीं है शुगर के पार्टिकल्स ज़्यादा तो नहीं है ठीक है so, सो उसको भी सेम प्रोसीजर करते हैं टेस्ट्यूब में उसको रखते हैं एक बॉटल में छोटी सी बॉटल हो तो इसमें रखते हैं और सेंट्रिफिकेशन मशीन में उसको जोर से घुमाया जाता है जब उसको घुमाते हैं तो क्या होगा जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में चले जाएंगे लाइटर पार्टिकल्स रिमेन इन द सोल्यूशन इन दिस वे दे गेट सेपरेटेड अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन इज़ इन वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं कपड़े एक बार धो लिया वॉशिंग मशीन ने उसके बाद ड्रायर में उसको जो स्पिनर होता है उसमें कपड़े को डाल के स्पिन करके ड्राई करते हैं वो स्पिनर क्या करता है कपड़े कुछ बहुत जोर से घुमाता है क्लॉकवाइज ठीक है जब वो घुमाता है तो उससे क्या होगा वाटर इज़ हैवियर दैन ड्राई क्लोथ सो वॉटर स्क्वीज आउट इट गेट सेटल डाउन एट द बॉटम और जो लाइटर है लाइटर क्या है कपड़ा तो वो कपड़ा क्या हो जाएगा वो ऊपर रह जाता है इस तरीके से उसमें से वाटर स्क्वीज आउट होकर बाहर निकल जाता है तो दीज आर सम सम्लिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ठीक है देखिए एप्लीकेशन में इट इज़ यूज इन पैथोलॉजीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट यूज इन डेरीज एंड एट होम फॉर सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम इट इज़ यूज इन वॉशिंग मशीन्स फॉर स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स चिल्ड्रन नेक्स्ट टेक्निक इज

ठीक है जब सेंटिफिकेशन करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी सेटल डाउन कर जाते हैं अब उसके बाद फिर उसको फिल्टर कर लेंगे फिल्टर करेंगे तो लिक्विड अलग हो जाएगा कोलाइडल पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे लेकिन फिल्टर कैसे करेंगे ऑर्डनरी फिल्ट्रेशन से नहीं करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे इसके लिए पार्चमेंट मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं मैंने बताया था ना आपको कि कोलाइडल सोल्यूशन कैनॉट बी फिल्टर बाई ऑर्डनरी फिल्ट्रेशन बट दे कैन बी फिल्टर बाई यूजिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निकमल और पार्चमेंटर और वेजिटेबल ठीक है ओके नेक्स्ट टेक्निक इज सेपरेटिंग फनल अब देखिए सेपरेटिंग फनल क्या होती है कैसी होती है ये देखिए ये बनी हुई है एक सेपरेटिंग फनल इसमें ऊपर का जो शेप है वो बल्जिंग आउट है ऊपर सबसे टॉप में एक माउथ जैसे ओपनिंग होती है नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बीच में स्टॉप कॉक होता है ठीक है दिस डिवाइस इज नोन एज सेपरेटिंग फनल ठीक अब इस सेपरेटिंग फनल में हम क्या करते हैं वी यूज टू सेपरेट टू लिक्विड्स विच आर इमिसेबल ऐसे लिक्विड्स जो आपस में एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते पूरी तरीके से उनको सेपरेशन के लिए हम सेपरेशन टेक्निक में सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं जैसे Let us separate a mixture of kerosene oil and water using separating funnel. So kerosene oil and water do not mix completely. They are not completely soluble into each other. Such a mixture can be separated by using separating funnel. But remember, both the uh, both the components solute and solvent must be in liquid state. Now pour the mixture of kerosene and water in separating funnel. हम क्या करेंगे एक बीकर में जो मिक्सचर है उसको पहले शेक कर लेंगे और उसके बाद इसको सेपरेटिंग फनल में डाल देते हैं लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर ऑप्टेड उसमें डालने के बाद वी कीप इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स आर फॉम्ड द लिक्विड विच इज लाइटर विल फ्लोट ऑन द टॉप एंड द हेवियर लिक्विड विल बी एट द बॉटम

वॉटर विल फॉल डाउन इट कैन बी कलेक्टेड इन ए रिजर्वेर और इन एनिजार एज सुन एज द होल अमाउंट ऑफ वाटर कम्स आउट वी जस्ट क्लोज द स्टॉप कॉक ठीक है क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक मतलब जब पूरा वाटर निकल जाए स्टॉप कॉक के पास ऑयल पहुँचने लग जाए कैरोसमिन ऑयल उस समय उसको बंद कर देंगे इन दिस वे ऑयल एंड वाटर गेट्स सेपरेटेड ठीक है ये आप देख सकते हैं पिक्चर में मैं पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको ये है जैसे ठीक है दिस इज डिवाइस इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल ऊपर लेयर बन गई किसकी लाइटर लिक्विड की कैरोसिन ऑयल नीचे हैवियर लिक्विड वाटर दिस इज स्टॉप कॉक जैसे स्टॉप कॉक ओपन करेंगे वाटर विल ट्रिकल डाउन ठीक है इट कैन बी कलेक्टेड इन ए बीकर वैन द होल अमाउंट ऑफ वाटर कम्स डाउन और वैन कैरोसिन ऑयल टचिस दिस स्टॉप कॉक At that time, we close the stopcock. So kerosene will be left in the separating funnel, and water will go into the beaker. In this way, in this way, they get separated. Understand, my Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. So let's see what are applications of this. The technique is used to separate two miss immiscible liquids, immiscible means which do not dissolve into each other. Separate two immiscible liquids present in a mixture, like benzene in water. Benzene is a chemical compound. Its formula is C six H six. It is a liquid. Okay? So benzene is lighter liquid than water. So when dissolved in water and shaken vigorously, kept undisturbed for some time, when benzene will form separate layer on the top of water. Similarly, chloroform in water, carbon tetrachloride in water. Kerosene in water, petrol in water, or so on. It is used in solvent extraction to extract organic compounds present in aqueous solutions. Different organic compounds like chloroform, carbon tetrachloride, benzene, kerosene, petrol, etc., are present along with water. They are mixed in water but not dissolved. So, they can be separated by using this separation technique that is separating funnel now the next technique of separation of mixture is sublimation so what is what are sublime substances first we need to understand what are sublime substances sublime substances are those substances which get converted into gaseous state from solid state directly without undergoing intervening liquid state it means when a solid is heated it directly get converted into gaseous state. It do not melt. Such solids are called sublime substances. And when a gas upon freezing gets converted directly into solid state without undergoing liquid state, then such substances are also known as sublime substances. Some of the common examples of sublime substances are ammonium chloride. Pehla, sabse important, अमोनियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कोई बता सकता है डू एनी वन नो द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड कोई भी जिसको भी आता है नहीं आता है, मैं बताता हूं एन फोर सी एल करेक्ट एनएच फोर सी एल अच्छा मेरे पीछे बोर्ड दिख रहे हैं क्या आपको व्हाइट बोर्ड

ठीक है कैम्फर इज़ एन अदर सब्लाइंग सब्सटेंस ओके सो हम देखिए जब कैम कपूर को हम जलाते हैं तो क्या होता है कैम्फर को इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू वेपर फॉर्म डायरेक्टली इट डू नॉट मेल्ट तुरंत जल जाता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है मेल्ट नहीं होता ठीक है सो कैम्फर इज़ अगेन अ सबलाइन सब्सटेंस नैप्थलीन नेपथलीन बॉल्स हम कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों In in, in toilets, washrooms में, urinals में. जो यूर व्हाइट कलर की बॉल्स ऑफ वो भी मेल्ट कहाँ होती है धीरे धीरे उसके वेपर्स खत्म हो जाती है सो डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसी स्टेट इसका कन्वर्सन होता है या गैसे स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्सन होता है ऐसे सब्सटेंसेजली सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट सॉलिड uh, से गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं दे आर कॉल्ड सबलाइन सब्सटेंसेज सिमिलरली आयोडीन आयोडीन से पर्पल कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड डार्क पर्पल कलर और यू कैन से ब्लैक कलर ठीक है सो आयोडीन so, भी सबलाइन सब्सटेंस है वैन इट इज़ केप्ट ओपन आफ्टर सम डेज इट गेट्स इवेपोरेटेड वैन इट इज हीटेड इट इवेपोरेट्स वेरी फास्ट गिविंग पर्पल कलर वेपर्स ड्राई आइस वॉट इज ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाईऑक्साइड ठीक है आप देखिए जो फायर एक्सटिंगस होते हैं फायर एक्सटिंगशर्स में कई प्रकार के फायर एक्सटिंगस होते हैं एक एसिड वाट एसिड बेस्ड एसिड सोडा टाइप फायर एक्सटिंग होता है दूसरा ड्राई आइस टाइप फायर एक्सटिंगस होते हैं उसमें क्या रहती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फिल्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वाइट पाउडर दैट सॉलिड वाइट पाउडर इज ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेन हाईली प्रेस्ड अंडर लो प्रेशर अंडर लो टेम्परेचर गेट्स कन्वर्टेड इन

कौन अमोनियम क्लोराइड है कौन कॉमन सॉल्ट है ठीक सो हाउ कैन बी सेपरेट बाई यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ ऑफ सी हाउ टेक मिक्सचर अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इन चाइना डिश चाइना डिश देखी आपने लैब में टेक ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इन चाइना डिश इनवर्ट अ ग्लास फनल ओवर इट एज सोन इन द फिगर जैसे फिगर में देखिए एक चाइना डिस्क रखी हुई है चाइना डिस्क के अंदर मिक्सचर रखा हुआ है उसके ऊपर एक ग्लास की फनल को इन्वर्ट करके रख दिया उल्टा करके ब्लॉक द नोजल ऑफ द फनल विथ सम कॉटन वुल थोड़ा इसके ऊपर जो नोजल है जो ओपनिंग है इसकी ग्लास फनल की उसमें थोड़ा सा कॉटन प्लग लगा देते हैं कॉटन लगा देते हैं ताकि जो वेपर्स बने वो बाहर ना निकले हीट द मिक्सचर जेंटली टिल ियम क्लोराइड धीरे धीरे इस मिक्सचर को हीट करेंगे बर्नर पे रख के जब आप हीट करेंगे तो इसके अंदर ढेर सारा वाइट फ्यूम्स चेंज बैक टू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड अलॉन्ग द अपर पार्ट ऑफ द फनल एंड गेट डिपोजिटेड एज सब्लीमेंट जब ये फ्यूम्स बेटा यहाँ नीचे से ऊपर उठेंगे उसके बाद क्या होगा ये ऊपर जाएंगे ऊपर टेम्परेचर कम है इसलिए वहाँ फिर से ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ग्लास फनल की जो इनर वॉल होगी उस इनर वॉल पे जाके ये वापस चिपक जाते हैं ठीक है तो पहले तो क्या हुआ सॉलिड से डायरेक्ट गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हुआ फिर गैसीय स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गए कैन सी पिक्चर ठीक है ट्राईपोड स्टैंड बर्नर देयर मिक्सचर ऑफ कोई भी मिक्सचर ले सकते हैं जिसमें से वन सब्सटेंस वुड बी अमोनियम क्लोराइड और एनी अदर सबलाइन सब्सटेंस इट कैन बी सैंड इट कैन बी सॉल्व चाइना डिज चाइना डिज से मिक्सचर रखा ग्लास इज इनवर्टेड वेन वी हीट वेपर्स विल बी फॉर्म दिस वेपर्स विल राइज अप आफ्टर राइजिंग अप दे दे विल विल कूल डाउन अगेन गेट कन्वर्टेड इन सॉलिड स्टेट एंड विल गेट स्टक विद द इनर वॉल्स ऑफ दिस ग्लास फनल सो इस तरीके से पूरा अमोनियम क्लोराइड या सबलाइन सबस्टेंस ग्लास फनल में जाके चिपक जाएगा और जो नीचे बचेगा वो क्या बचेगा कॉमन सॉल्ट और सैंड व्हाटएवर इज द अदर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर समझ में आ गया बच्चों यस सर नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट सबलाइन सबस्टेंसस फ्रॉम नॉन सबलाइन सबस्टेंसस प्रेजेंट इन द मिक्सचर बस इसका एक ही एप्लीकेशन है कि वी बाय यूजिंग सब्लिमेशन टेक्निक वी कैन सेपरेट अ सबलाइन अब्सटेंस फ्रॉम अ नॉन सबलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ कॉमन सॉल्ट की बस बात हुई थी कॉमन सॉल्ट से कैम्फर को अलग करने के लिए ठीक है अब मान लीजिए इसमें और भी चीज हो गई मिक्सचर ऑफ सेंड प्लस सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड तब क्या करेंगे फर्स्ट विल सबलाइन ठीक है एज अ रिजल्ट ऑफ विच अमोनियम क्लोराइड विल बी टेकन आउट दैन द रिमेनिंगस्टर विल कंटेन सैंड एंड सॉल्ट आप क्या करेंगे इनको अलग करने के लिए विल मिक्स दैम इन वाटर ठीक है वॉटर में डालेंगे सॉल्ट विल गेट डिस नॉट गेट डिस फिल्टर आउट बाई यूजिंग फिल्टर पेपर सो सैंड विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर एंड द फिल्टरेट लिक्विड दैट विल मूव इन टू अनदर जार वेन इवेपरेटेड विल गिव सॉल्ट इस तरीके से हम सैंड एंड सॉल्ट को भी अलग कर सकते हैं सैंड एंड सॉल्ट को अलग करने के लिए क्या करेंगे पहले डिसॉल्व कर देंगे वाटर में उसके बाद फिल्टर करेंगे फिल्टर करेंगे तो सैंड फिल्टर पेपर पे रह जाएगा सॉल्यूशन नीचे चला जाएगा जो सॉल्यूशन नीचे चला गया उसको फिर इवेपोरेट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे मिलेगा चलिए नेक्स्ट टेक्निक इज क्रोमैटोग्राफी क्रोमा मीन्स कलर्ड ठीक है क्रोमैटो मीन्स कलर ग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ कलर सो क्रोमेटोग्राफी इज़ ए टेक्निक ऑफ़ सेपरेटिंग टू और मोर डिज़ोल्व सॉलिड्स विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स अगर एक सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक सॉलिड्स डिजॉल्व हैं और वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं तब हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रिंसिपल बिहाइंड क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल क्या है उसका सिद्धांत क्या है कब यूज़ करते हैं so chromatography is a technique for separating two or more dissolved solids which are present in solution in very small amounts this technique is based on the principle that the substances which is more soluble in the solvent moves faster and thus gets separated from other substances which move slowly a okay? mixture may do type substance components take okay? a जो सॉल्वेंट उसमें डालेंगे तो सॉल्वेंट में एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो जल्दी डिसॉल्व होगा और जल्दी मूव करेगा दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा जो स्लोली डिसॉल्व करेगा स्लोली मूव करेगा तो इस थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल देर इज अ क्वेश्चन हाउ कैन यू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी कोई भी हमने इंक ले लिया ब्लू कलर की ले लिया ब्लैक कलर की ले लिया क्या उसमें एक ही कंपोनेंट होते हैं या एक से अधिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं कलरिंग मैटर्स प्रेजेंट हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होगी दैट विल बी प्रोमैटोग्राफी एक मैंने पहले आपको बताया था हाउ कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लू ब्लैक इंक तो उसमें क्या था वेपरेशन क्यों किया था क्योंकि हमको ब्लू ब्लैक इंक को अलग करना था वाटर से या सॉल्वेंट से लेकिन यहाँ पे क्या है ब्लू ब्लैक इंक में जो अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सॉलिड या लिक्विड्स एक्सेप्ट सॉल्वेंट उनको भी अलग अलग कैसे करेंगे तो उसके लिए क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है कैसे करते हैं लेट्स सी टेक ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर अबाउट टेन टू फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग एक क्रोमेटो फिल्टर पेपर जैसा ही एक और पेपर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर ये ऐसे उसकी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काट लेते हैं ठीक है कितनी सेंटीमीटर दस से पंद्रह सेंटीमीटर लंबी एक उसकी ऐसी पट्टी या स्ट्रिप काट लेंगे नाउ ड्रॉ अ लाइन एट अबाउट थ्री टू फोर सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द फिल्टर पेपर इसमें देखिए एक साइड एंड में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ठीक है जो कि जनरली जो एंड है एंड से थ्री या फोर सेंटीमीटर्स ऊपर रहेगी

ये देखिए पिक्चर में ये एक ग्लास जार रख लिया उसमें वाटर है और उसमें हम फिल्टर पेपर को क्या करेंगे लटकाएंगे सस्पेंड करेंगे बस सस्पेंड करते वक्त हमको क्या ध्यान रखना है कि वाटर का लेवल जो है वो जो लाइन है ना उस लाइन से नीचे ही होना चाहिए उसमें जो फिल्टर पेपर आपने डाला जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर डाला वो जस्ट वाटर को टच करना चाहिए लाइन तक उसका लेवल नहीं होना चाहिए ठीक है नाउ सस्पेंड द फिल्टर पेपर इन द ग्लास जार कंटेनिंग वाटर सो दैट द स्पॉट ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबब द वॉटर लेवल लीव द सेटअप फॉर समाइम और थोड़ी देर के लिए सेटअप को ऐसे छोड़ देंगे द वॉटर ग्रेजुअली राइजेस अप द फिल्टर पेपर स्ट्रिप बाई कैपलरी एक्शन धीरे धीरे वो गीला होता जाएगा कैपलेक्शन से वॉटर ऊपर जाएगा एज वॉटर मूव्स अप इट टेक्स द इंक स्पॉट वो इंक स्पॉट में जो ज्यादा सोल्यबल पार्टिकल्स हैं वो वाटर में पहले डिजोल्व हो जाएंगे या वाटर के साथ वो पहले मूव करना चालू करेंगे जो लेस सोल्यूबल कंपोनेंट होगा वो वाटर में देर से डिजोल्व होगा और देर से मूव करना चालू करेगा द कलर्ड कंपोनेंट्स विच आर मोर सोल्यूबल इन वाटर मूव टू हायर पोजिशन दैन द अदर कंपोनेंट्स विच इज लेस सोल्यूबल इन वाटर एंड गेट सेपरेटेड इन दिस वे डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रजेंट इन इंक गेट सेपरेटेड देखिए इसमें जब हमने डीप किया इसको वाटर राइज करेगा और ये इंक इसमें डिजोल्व होगी ठीक अब इस तो इसमें क्या होगा जैसे जैसे ये ऊपर राइज करेगा तो जो ज़्यादा सोलेबल कंपोनेंट है वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा जो लेस सोलेबल कंपोनेंट है वो लेस डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा इन दिस वे टू डिफरेंट बैंडस और लेयर्स आर फॉर्मड बाद में हम उस स्ट्रिप को क्या करेंगे वहां से कट कर लेंगे और अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे so in this way chromatography technique is used for separating different components from a mixture based on the dif differential solubility of components means the components are soluble to the solvent to different extents then only this can be used application where this technique is used to separate color substances present in dyes and natural pigments

डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट लेवल तक राइज होंगे और फिर अलग अलग लेवल में जो डिपोजिशन होगा उसकी स्टडी करेंगे उसमें तो कौन सा पॉजिजनस है कौन सा नॉन पॉइनस है ठीक है सो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर स्टडिंग द ब्लड ऑफ क्रिमिनल्स इन फॉरेंसिक साइंसेस और चिल्ड्रेन नेक्स्ट टेक्निक इज सिंपल डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन टेक्निक इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सिंपल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसके अंदर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर अभी हम आप दो लोग दो टेक्निक्स पढ़ेंगे एक सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो व्हाट इज सिंपल सिंपल डिस्टिलेशन डिस्टलेशन का मतलब क्या होता है इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन ठीक है डिस्टिलेशन का सिंपल मतलब होता है पहले लिक्विड को इवेपोरेट करके वेपर में कन्वर्ट करो फिर जो वेपर है उसको ठंडा करके फ्रीज करके प्योर लिक्विड ऑप्टेंट करो मीनस इवेपोरेशन फॉलोड बाई

having difference in boiling point more than 25 degrees celsius or difference more than 25 kelvin this is very very important and this is actually the principle of simple distillation what is principle behind simple distillation technique of separation of components the principle behind simple distillation technique of separation is that in simple distillation technique we separate two miscible liquids बट दे शुड हैव डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट मोर दैन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस और डिफरेंस इन बॉयिंग पॉइंट मोर दैन ट्वेंटी फाइव कैल में तो ये टेक्निक हम तब यूज करते हैं डिस्टिलेशन जब दो लिक्विड्स हों दोनों सोलबल लिक्विड्स एक दूसरे में पूरी तरीके से डिसव हो जैसे कैरोसिन इन डीजल डीजल एंड पेट्रोल ठीक है ये पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं लेकिन हम इसको सिंपल डिश्लेषण कब यूज़ कर सकते हैं जब दोनों मिसबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या 25 फाइव से ज्यादा हो कम है तो नहीं कर सकते एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन, ठीक है वाटर एंड एसिटोन बोथ आर कंप्लीटली मिसिबल इन टू इच अदर बट द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस सो दे कैन बी सेपरेटेड बाई सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सेपरेट एसिटोन फ्रॉम वाटर प्रेजेंट इन मिक्सचर अट सी आंसर टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड फिट इट विद अ थर्मोमीटर एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर रख लो उसमें थर्मोमीटर लगा लो अरेंज द सेटअप एज शोन इन द फिगर हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द थर्मोमीटर थर्मोमीटर को ध्यान से देखते रहेंगे केयरफुली और उसको हीट करेंगे द एसिटोन वेपर्स

ये इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क ये राउंड बॉटम फ्लास्क जो दिख रहा है आपको डिस्टिलेशन फ्लास्क ऊपर क्या लगा दिया इसमें कॉर्क स्टॉपर और कॉर्क स्टॉपर में एक होल करके उसमें हैंग कर दिया थर्मोमीटर ठीक और ये जो डिवाइस है इधर नीचे दिस इज कॉल कंडेंसर ठीक है कंडेंसेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको अब देखिए जब हम इसको हीट करेंगे मिक्सचर को तो मिक्सचर में ऐसा कंपोनेंट जिसका बॉयिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से बॉयल होने लग जाएगा ठीक है जल्दी से बॉयल होगा मतलब उसके वेपर्स जल्दी से बनने लग जाएंगे और जो जिसका बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में बॉयल होगा और उसके वेपर्स बाद में बनेंगे सो द कंपोनेंट प्रेजेंट इन मिक्सचर है बॉयल फास्ट एंड इस वेपर विल राइज अप फर्स्ट ये वेपर्स यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर देखिए जैसे ये ग्लास ट्यूब है इस ग्लास ट्यूब में जब इस यहाँ से पास होंगे तो बाहर क्या है ठंडा पानी भरा हुआ है आइस कोल्ड वाटर इस फिर देर ठीक है उस आइल कोल्ड वाटर की वजह से ये ट्यूब कैसी हो जाती है कूल ठंडी तो इस कोल्ड टेम्परेचर पे जो यहाँ से वेपर जाएंगे वो वेपर कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होके दूसरे बीकर में जाके ड्रॉप वाइज गिर जाएंगे अब इसमें देखिए बेटा जो वाटर का आउटलेट सिस्टम है एक साइड से नीचे से हम क्या करते हैं इसमें कोल्ड वाटर अंदर भरते हैं ये कोल्ड वाटर जब नीचे से आप भरेंगे तो यहाँ से ये आएगा पाइप तो पहले वेपर्स होंगे गर्म उसकी वजह से धीरे धीरे वाटर क्या हो जाएगा गर्म होना चालू होगा और गर्म होके वाटर ऊपर को जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑलवेज हॉट वाटर दैट राइजेस ऑफ हॉट थिंग्स राइजेस ऑफ कोल्ड वाटर रिमेन्स एट द लोअर हाइट तो इसीलिए हम इसको नीचे से कोल्ड वाटर भरते हैं ताकि कोल्ड जो है वो नीचे रहे और जो जो गर्म होता जाए वो सब ऊपर को जाता जाए अगर हम ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा ठंडा पानी नीचे आएगा और ठंडा पानी यहाँ से निकल जाएगा ठीक और जो गर्म है वो भी नीचे ही रहेगा तो फिर उससे क्या लास्ट ड्रॉप जो यहाँ पे आएगी नीचे बॉटम पे वो भी फिर से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी इसलिए हम क्या करते हैं कोल्ड वाटर लोअर हाइट से पास करते हैं अंदर कंडेंसर के वो धीरे धीरे गर्म होगा हॉट वाटर ऊपर जाएगा वहाँ से बाहर से आउटलेट से बाहर निकलेगा ठीक है तो कंडेंसर में हमेशा कोल्ड वाटर लोअर हाइट से अंदर डालते हैं हॉट वाटर बाहर से निकलता है ये रीजन समझ में आया बच्चों क्यों बिकॉज हॉट वाटर राइसेस अप ठीक है अगर हॉट वाटर नीचे रहेगा तो जो पहले लिक्विड बना भी कंडेंसेशन से वो फिर से गैसी स्टेट में आ जाएगा आया समझ में बोलो चिल्ड्रेन यस सर राइट सो right. so, ये सिंपल डिस्टिलेशन आपको समझ में आ गया अब जब यहाँ से हम हीट करें तो हम देखते हैं थर्मोमीटर हमको पता है एसीटोन और ये है तो एस्टोन का हमको बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए एस्टोन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब हम तभी तक हीट करें जब तक कि बॉइलिंग पॉइंट एस्टोन का ही रहे उससे ज्यादा ना हो उससे ज्यादा जब टेम्परेचर आ जाएगा तो फिर वाटर भी बॉयल होने लग जाएगा इसलिए हमको इस तरीके से मॉनिटर करके इसको बॉइलिंग का हीटिंग करना है कि जो लेस बॉइलिंग पॉले वाला लिक्विड है बस वहां पे जाके टेम्परेचर वहीं पे कांस्टेंट रखें और बर्नर को हटा लें क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली हीट करते रहेंगे धीरे धीरे फिर वाटर भी बॉईल होने लग जाएगा उसके भी वेपर उड़ने लग जाएंगे ठीक सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट टू मिसबल लिक्विड्स बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन बट कम होगा बहुत कम होगा तो उससे क्या हो जाएगा जैसे हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड बोथ द लिक्विड वेपोराइजिंग तो फिर वो मिक्सचर फिर से यहाँ पे मिक्सचर ही मिलेगा लास्ट में आपको इससे डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए बॉलिंग के लिए एप्लीकेशन से Ether and toluene present in mixture. Ether is a chemical compound, it's a liquid. Toluene is another liquid, or both are organic liquid. They have difference in boiling point greater than 25 degrees Celsius. So they can be separated by this simple distillation technique. Separation of benzene and alanine, separation of hexane and toluene. These are different compounds, different substances, different liquids, which can be separated by using. डिस्टिलेशन आज यहीं पे क्लास को रोकते हैं अब अपने पास बचा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा चिल्ड्रन इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट्स योर क्वेश्चन

so children if you don't have any doubt so i'm just stopping the recording <clears throat>